एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल एजुकेशन पॉलिटिक्स पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल है आपका 18 मार्च के दिन। 18 मार्च के दिन जो पेपर होने जा रहा है आपका मैथ का पेपर होगा। तो मैथ का मैंने आपको कल ही आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लिए थे, लेकिन अभी के इस वीडियो में हम लोग पूरे प्रश्न सब्जेक्टिव को देखेंगे। साथ ही साथ इसका सोल्यूशन वाला PDF आपको भी डाउनलोड करना सिखा दूंगा। 2 मिनट लगेगा आपको डाउनलोड करने में इसका PDF आपके लिए, या बेहद आपके लिए बेहद आसान है आपको डाउनलोड करना। मात्र 2 मिनट से ज़्यादा नहीं आपको बेहद आसान लगेंगे आपको सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करना, या मैथ का पूरे प्रश्न का मैंने सॉल्यूशन खुद किया हूं। चलिए मैं पूरे प्रश्न को सॉल्यूशन किस रूप में किया हूं, कौन सा प्रश्न का उत्तर लिखा हूं, और उसके साथ साथ उसका उत्तर के आंसर क्या है, सब्जेक्टिव आंसर क्या है, सभी चीज को ध्यान से आपको देख लेना है। उसके बाद का आपको जो PDF मिलेगा, तो वही PDF लेकर आप एग्जाम में जाकर कॉपी में लिखकर आप एग्जाम में पूरे प्रश्न को छाप सकते हैं। इसमें आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यह आपका, क्योंकि प्यारे साथियों यह क्लास 9th का फाइनल एग्जाम है। तो इसमें आपका कॉपी चेक होता है, उसके बाद आपको क्लास 10th में जाने दिया जाता है। तो आपका कॉपी चेक होता है आपके स्कूल के टीचर के द्वारा। तो आप इस रूप में अगर सब्जेक्टिव उत्तर मैथ में लिख देंगे तो पूरा का पूरा अंक देगा, 50 में 50 अंक आपको मिलेंगे। मैं जितना प्रश्न को सोल्यूशन कर दिया उसी प्रकार आपको एग्जाम में सोल्यूशन करना है। और उसके साथ साथ कौन सा प्रश्न आया, चलिए पूरे सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे, पूरे ऑब्जेक्टिव का मैंने प्रश्न की चर्चा कर लिया था। चलिए सब्जेक्टिव उत्तर कौन सा है, इसका उत्तर कैसा आपको लिखना है एग्जाम में। अगर आप चैनल पर पहले नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे। आगे मैं आपको पूरा बताया, 2 मिनट लगेगा आपको क्या PDF डाउनलोड करने में, मैथ का सब्जेक्टिव का उत्तर, पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन 2 मिनट में। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे आपका प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे खंड ब में आपका प्रश्न आ चुका है, सेक्शन बी में हूबहू यही प्रश्न पत्र रहेंगे। कल आप एग्जाम में जाइएगा ना, तो 1 नंबर प्रश्न पर आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे, 5 और 7 के बीच में का परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपको बोलेंगे। 1 नंबर प्रश्न आपका मैथ करेंगे, लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप का प्रश्न रहेंगे, आपको उत्तर सटीक देना है, लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न है, स्टेप बाय स्टेप उत्तर देना है, जिससे आपको एग्जामिनर क्लास 9th का जो आपका फाइनल कॉपी चेक करेंगे उसी में आपको पूरा का पूरा अंक दिया जाएगा। 2 मार्क आपको पूरे अंक मिलेंगे, 1 मार्क भी आपका नहीं कटेंगे अगर आप इस प्रकार उत्तर लिखेंगे, मैं जिस प्रकार आपके लिए कॉपी में लिख दिया हूं उस प्रकार। तो चलिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे आपके लिए यहां पर 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न क्या करें आपसे, 15 और रूट 15 को 5 और रूट 5 को से यहां पर क्या करना है, भाग करे, तो यहां पर भाग करना है। तो इसका भी भाग का सोल्यूशन किया हूं, सभी का PDF आगे दिखा देने जा रहा हूं। और उसके साथ साथ 2 सेकंड लगेगा इसे डाउनलोड करने में, ध्यान से बस आपको क्या कर लेना, ध्यान से चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि मैथ का पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन मैंने कर लिया। चलिए उसके साथ साथ आपको इंग्लिश का पेपर का भी आपको सब्जेक्टिव मिलेंगे, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इंग्लिश का सब्जेक्टिव लेने के लिए। 3 नंबर प्रश्न क्या करें आपसे, 4 है √7 + √5 का हर का परिमेयकरण करना है, इसका भी उत्तर मैंने लिख लिया हूं, पूरे प्रश्न को आपको उत्तर दिखा देने जा रहा हूं। उसके बाद आगे प्रश्न पूछा जाएगा 4 नंबर में, चलिए 4 नंबर पर कौन सा प्रश्न रहेंगे, तो यहां पर देखिए आप, यहां पर मैं थोड़ा PDF रिसर्च करता हूं, आपको क्या करना है 307 पेपर कर लेना है क्वालिटी इसका। 4 नंबर में देखिए √3 है + 2 है, और वहीं पर √3 है और उस पर -2 है, इसका हल ज्ञात करने के लिए इसका भी हल ज्ञात किया हूँ। 5 नंबर प्रश्न का भी हल ज्ञात किया हूँ, 5 नंबर में क्या प्रश्न कहा जा रहा है, x-1 और 4x³+3x² - 4x + x का 1 गुणनखंड है, तो एक्स के का मान निकालना है यहाँ पर, तो 5 नंबर में के का भी मान निकाला हूँ। फिर 6 नंबर प्रश्न क्या है आपका, x-3 पर बहुपद, यहाँ पर भाग देना है कितना से, तो x-3 को 5x + 4x² + 3 से आपको क्या करना है, भाग देना है। कैसे भाग देना है, चलिए पूरे प्रश्न को पहले आपको देख लेना है। यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका 2, 3, 4 नंबर प्रश्न आपका, यह 5 नंबर प्रश्न और ये आपका 6 नंबर प्रश्न है। और वहीं पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पर आपका 6 नंबर प्रश्न, यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पहले आपको देख लेना है। चलिए जरा मैं हाई कर लेता हूँ, चलिए 6 नंबर प्रश्न को क्या करना है आपको देख लेना है, क्या कह रहे हैं 6 नंबर में, इतना से इतना को आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। 7 नंबर प्रश्न आपसे गुणनखंड करे, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, गुणनखंड करेंगे 2 अंक देंगे आपको, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर करेंगे, क्योंकि मैथ का हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र का जो आपका 18 मार्च के दिन पूछे जाएंगे उसका सब्जेक्टिव उत्तर है आपके लिए, यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर। चलिए गुणनखंड करेंगे s² + 9x + 18 का, इसका फैक्टर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, मैं पूरा प्रश्न का निकाल दिया हूँ, आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है। 9 नंबर प्रश्न का, एक ऐसे कोण को ज्ञात करें जो संपूर्ण कोणों का 32 कम हो, कहाँ है, तो देखिए आपको, चलिए पहले पूरे प्रश्न को आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ, उसके बाद पूरे प्रश्न का सोल्यूशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे सेक्शन बी में आपके ऑल सब्जेक्ट का तैयारी आपको कराया जाएगा 2025 के एग्जाम में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और उसके साथ साथ आगे आपका बताऊंगा PDF कैसे डाउनलोड करना है।
प्रश्न एक बताए थे आपको कि पांच और छह के बीच में आपको चार परिमेयकरण आपको संख्या निकालना है। तो देखिए चार पांच और छह के बीच में बताया जा रहा है पांच है और छह है, ठीक है। एक मैं यहाँ पर रेकलिंग ले लिया हूँ, यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे हैं। मैं पूरे सोल्यूशन का एजुकेशन पब्लिक का यहाँ पर नाम होगा और यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरा नाम होगा। यहाँ पर देखिए पूरे सोल्यूशन में पूरे प्रश्न का किया हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर पेन से लिखा हुआ है मेरा, मैं पूरे प्रश्न का सोल्यूशन किया हूँ। यहाँ से देखिएगा काफी ज्यादा यहाँ से आपका कॉपी हो जाएगा, देखिएगा आपके एग्जाम में तो काफी ज्यादा यहीं से प्रश्न आपका कॉपी हो जाएंगे, यही पीडी आपको दूसरे चैनल के ले लेंगे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लियर सेक्शन बी में आपका आपका जो प्रश्न है लघु तीर टाइप का प्रश्न, इसका प्रश्न एक का मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्यूशन किया हूँ, पूरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर निकाला हूँ। फिर दो नंबर प्रश्न का उत्तर भी आपके लिए यहाँ से निकाला हूँ। यहाँ पर देखिए दो नंबर प्रश्न क्या कर आपसे बताया कि भाग देना है पंद्रह को और पंद्रह को और तीन रूट पांच को, तो यहाँ पर देखिए क्या होंगे तो ऐसे करके भाग देंगे तो पंद्रह और पंद्रह कट जाएंगे, रूट पंद्रह कट जाएंगे तो कितना बचेंगे तीन रूट पांच ना, तो ऑप्शन यहाँ पर इसका उत्तर निकाला हूँ। फिर यहाँ पर तीन नंबर प्रश्न का सोल्यूशन किया हूँ, तीन नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए चार बाई तीन रूट पांच को यहाँ पर गुणनखंड करना था, यहाँ पर मैं पूरे गुणनखंड कर इसका भी उत्तर आपके लिए यहाँ पर निकाल दिया हूँ। फिर चार नंबर प्रश्न यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे, चार नंबर प्रश्न का भी आपके लिए यहाँ पर उत्तर निकाला हूँ। आपको चार नंबर प्रश्न का भी यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे। आपको लाइक शेयर और कमेंट और उसके बाद आपको सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, आपको रुकना नहीं चाहिए, सब सभी चीज आपको शेयर करते रहना वीडियो को, क्योंकि मैथ का पूरे प्रश्न का सोल्यूशन वाला वीडियो है। यहाँ की सोल्यूशन आपका लघु उत्तरीय टाइप और उसके साथ साथ दीर्घ उत्तरीय टाइप का भी सोल्यूशन है। तो पांचवा प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखिए, पांचवा प्रश्न इतना से आपको भागा देना था, के का मान निकालना था इसमें, तो के का मान यहाँ पर देखिए निकाल दिया, के का मान माइनस थ्री होगा। आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, मेरे ही चैनल का नाम है, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, मैं ही इसका सोल्यूशन किया हूँ। चलिए अगला प्रश्न, छह नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखिए, आप छह नंबर प्रश्न आप क्लियर देख पा रहे होंगे। छह नंबर प्रश्न का उत्तर मैं पूरे प्रश्न को देखा और इसका उत्तर यहाँ पर, छह नंबर में कौन सा प्रश्न था, चलिए आपको पहले प्रश्न दिखा ला देते हैं। देखिए छह नंबर प्रश्न आपके सामने आएंगे यहाँ पर, चलिए छह नंबर प्रश्न का है यहाँ पर, देखिए पीडी आपको नीचे उतर यहाँ पर करेंगे तो आपको इतना से इतना को क्या बोले थे, आपको मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करना है तो माइनस थ्री रखना है जहाँ पर एक्स है। तो चलिए मैं किस रूप में सोल्यूशन किया हूँ, तो आप यहाँ पर क्लियर देखिए सोल्यूशन में किस रूप में किया हूँ। यहाँ पर कहा गया छह नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, तो आपको मैं बताया जहाँ पर एक्स है तहाँ पर आपको माइनस थ्री रखकर मैं पूरे प्रश्न का सोल्यूशन किया, तो माइनस अड़तालीस इसका आंसर निकला, आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। चलिए सात नंबर प्रश्न का यहाँ पर देखिए, उसी प्रकार सात नंबर प्रश्न का सोल्यूशन किया, इसका उत्तर यहाँ पर आपके लिए निकला हुआ है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए एजुकेशन ऑफ पब्लिक का यहाँ पर नाम है, यहाँ पर पूरे प्रश्न को आपके लिए सोल्यूशन किया गया है। चलिए और उसके बाद आठ नंबर प्रश्न का उत्तर में, आठ नंबर में आपसे क्या प्रश्न था पहले आपको प्रश्न दिखा देते हैं, कल एग्जाम में जाइएगा तो आठ नंबर प्रश्न आपको सब्जेक्टिव में मिलाइएगा, अगर आप मिल जाएंगे ना तो कमेंट जरूर करिएगा और अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल आपको कमेंट करना एग्जाम देकर आके ही मैथ के, क्योंकि आप देखें मैंने सोशल साइंस का जो भी पेपर दिए मातृभाषा का पेपर दिए तो पूरे प्रश्न मैच किया ना, 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र था ना, उसी प्रकार मैथ का पूरे सब्जेक्टिव का हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है अभी का, या आपको मैथ का सब्जेक्टिव का। और इससे पहले जो आपका दिन में एक वीडियो आया था करीब दो बजे के करीब, वो वाला वीडियो का आप जरूर देख लेंगे मैथ का, वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है ओरिजिनल का, या बिल्कुल 100% ओरिजिनल आपका सब्जेक्टिव का प्रश्न है। आठ नंबर प्रश्न में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या कहना है, आपको गुना करना है कि इतना से इतना का मान ज्ञात करना है, फिर एक ऐसा कोण का मान ज्ञात करें जिसे संपूरक कोण का मान 32 से कम हो, यहाँ पर नौ नंबर में प्रश्न ये है। फिर आपका दस नंबर प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोनों का योगफल तीसरे कोनों के बराबर हो तो तीसरे कोनों का माप ज्ञात करें। फिर ग्यारह नंबर, यदि त्रिभुज इतना इतना दो तीन चार हो तो हम इसमें से कोनों का ज्ञात करें। तो चलिए सभी प्रश्न का सोल्यूशन कहाँ है, नीचे पीडी आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आठ नंबर प्रश्न का उत्तर में यहाँ पर देखिए इतना का गुना किया हूँ तो यहाँ पर इसका उत्तर निकला, किस विधि से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप जल्दी से फॉर्मूला लिखेंगे, क्लास नाइन्थ में चले गए हैं आप, कमेंट बॉक्स में जल्दी फॉर्मूला लिख देंगे। नौ नंबर प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे, इसका उत्तर का सोल्यूशन यहाँ पर किया गया है। दस नंबर प्रश्न का उत्तर, दस नंबर प्रश्न आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे, इसका उत्तर मैंने बोला था कि त्रिभुज ए बी सी ए का आपका क्या है कोण है, ले लेंगे कोण ए कोण बी कोण सी, ठीक है कितना, तो समीकरण वन से कोण ए कोण बी कोण सी, त्रिभुज का तीनों कोण का मान 180 डिग्री वो भी जानता है, तो कितना कोण लेना था, दो कोण को बाहर कर देंगे कोण सी ले लेंगे, 180 का काट देंगे 90 आ जाएंगे, कोण सी का मान कितना हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। फिर ग्यारह नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही, माना कि एक्स एक आपको त्रिभुज एक्स ले लेना है, फिर ए बी सी तीनों कोणों का मान त्रिभुज का 180 आता है वो भी जानता है, दो एक्स कर लेंगे 180 माइनस, और कितना था क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 डिग्री, इसमें से हम क्या करेंगे 180 में से 20 घटा देंगे 200 काट देंगे 40 आ जाएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अब आइए अगला है 12 नंबर प्रश्न, पहले आपको दिखला देते हैं उसके बाद मैं पूरे प्रश्न को सोल्यूशन करूंगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न आप यहाँ पर देखे क्या कह रहे हैं, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 100 डिग्री तथा कोण ए बी बराबर ए सी हो तो कोण बी और कोण सी को ज्ञात करें, कोण बी और कोण सी ज्ञात करना है आपको। चलिए इसका सोल्यूशन किस रूप में होगा पहले सोल्यूशन देख लेते हैं, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइएंगे, पीडीएफ आपको मिलेंगे, ये पीडीएफ बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको पीडीएफ मिला जाएगा यहाँ पर पूरे प्रश्न का। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ले लेंगे सर ए बी सी कोनों का मान ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, पूरे मैथ का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव
प्रश्न का सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ इसका पीडीएफ। 2 मिनट से कम समय लगेंगे इसका पीडीएफ आपके पास डाउनलोड होने में, आपके पास जाने में। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, कितना का मान 100 डिग्री, ए बी बराबर कौन ए सी, कौन ए कितना है 100, और कौन बी बराबर हम मान लेंगे कौन सी, और कौन सी बराबर कौन बी ले लेंगे, और कौन ए कौन बी और कौन सी का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, वो भी जानता है। कौन ए कितना दिया था पहले से ही क्वेश्चन में 100 डिग्री दिया था, कौन बी तो कौन बी और कौन सी रहेंगे आपका 180 डिग्री, कितना है कौन बी है तो कौन टू बी है तो ऑप्शन टू ले लेंगे, और 180 में से हम आपको 100 डिग्री घटा देंगे, कौन टू कौन बी बराबर 80 आपको काट देंगे तो 40 आ जाएंगे इसका राइट आंसर 12 नंबर प्रश्न का। 13 नंबर प्रश्न का यहाँ पर देखिए, 13 नंबर प्रश्न में आपको बोला जा रहा है आपको लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। आपको 13 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल इजी प्रश्न है, आप सीधे सीधे बना लेंगे क्योंकि आप एजुकेशन और पब्लिक के 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अभी आपको जुड़ जाना है। तो आपकी आप यहाँ पर क्या कर लेना है, 2025 में आप जुड़ जाएंगे एग्जाम देंगे तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर आप देखते देखते क्या देखते देखते प्रश्न को उत्तर सोल्यूशन कर लेंगे। चलिए अब आपको दिखला देते आपका दीर्घ टाइप का जो प्रश्न है आपका सेक्शन बी में, यह प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे लघु टाइप, और उसके बाद आपका दीर्घ टाइप, इसे कौन सा प्रश्न कहते हैं, इसे लॉन्ग आंसर टाइप बोलते हैं, जिसे एक बरस बनाएंगे तो हमें 5 अंक देंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। तो चलिए हम कितना अंक बनाएंगे प्रश्न, तो 3-4 प्रश्न को आपके लिए यहां से बना दिया गया है। कहां पर है तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे पीडीएफ आपको यहां पर देखिए आएंगे, यहां पर देखिए आपको यहां पर दीर्घ टाइप का प्रश्न का सॉल्यूशन किया गया है एजुकेशन और पब्लिक का। यहां पर आप क्लियर देख सकते हैं आपका यहां पर क्लियर नाम वगैरह है -5 है यहां पर। फिर दूसरा प्रश्न का यहां पर क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न, चलिए आपको पहले प्रश्न भी दिखा देते हैं। 2 नंबर प्रश्न में आपको क्या करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्वेश्चन सेट किया गया है। यहाँ पर लिखा क्या कहता है, बहुपद 3x^4, 4x-3x-1 का x-1 से भाग देने पर दिया गया। फिर सिद्ध करने के लिए बोला गया था कि एक आयत प्रत्येक कोणों के समकोण होता है कि नहीं। फिर चौथा तीसरा में आपका सिद्ध करे कि एक ही आधार पर एक ही प्रकार की रेखा स्थिति तो एक क्षेत्रफल बराबर होते हैं कि नहीं। सभी का सिद्ध कहाँ किया गया है मैं आपको यहाँ पर देखिए क्लियर आप देखिए यहाँ पर चलिए कितना दीर्घ द्वितीय टाइप प्रश्न था ना, बिल्कुल सही दीर्घ द्वितीय टाइप का। यहाँ पर आप क्लियर देखिए एक नंबर प्रश्न का उत्तर, यहाँ पर पूरे सॉल्व करके इसका उत्तर कितना निकाला है तो -5 निकला है। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं एजुकेशन और पब्लिक का आपके लिए नाम लिखा गया है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर क्वेश्चन 2 का यहाँ पर आपके लिए सोल्यूशन कर दिया गया है, फिर आगे आपको इसका पीडीएफ में देंगे तो पीडीएफ में आगे भी प्रश्न आपको लिखेंगे, और उसके पहले आपको 2 से 3 बात बांध लेंगे। अगर किसी भी बोर्ड में अगर आप कॉपी परीक्षा में अगर कॉपी लिखते हैं तो कभी भी कॉपी में आपको क्या कर देना है, आपको गलत चीज नहीं लिखना है, और उसके साथ साथ आपको कोई भी सिंबल नहीं बनाना है, धार्मिक चिन्ह वगैरह का सिंबल आपको नहीं बनाना है, जैसे कि ओम को बना दिए कोई, ऐसे गलतियां आपको नहीं करना है। फिर उसके बाद शुरुआत में आपको 2 से 3 पेज अच्छे से लिखना है पूरे प्रश्न को। मैं जल्दी जल्दी से सॉल्यूशन किया हूँ क्योंकि मेरे पास काफी लेट से पेपर आया है, इसीलिए आपको क्या कर लेना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखेंगे, ओएमआर शीट कैसे बनेंगे, सभी चीज़ का जानकारी मिलेंगे, डमी एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका एग्जाम कब होगा, किस दिन कौन सा विषय का एग्जाम होगा, सभी चीज़ का अपडेट आपके लिए अपने यहाँ तक अपडेट की जाती है। आप सभी को इतना कार्य कर लेना, और उसके बाद आपके मन में क्या चलेंगे कि इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड होंगे, तो मैंने आपको गारंटी वादा किया था इसका पीडीएफ आपके मोबाइल में 2 मिनट में डाउनलोड होंगे, तो कैसे 2 मिनट में डाउनलोड होंगे, तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या काम कर लेना, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो एक नंबर आपको नोट करना है, इस नंबर पर आपको अपना नाम, चलिए मैं पेंसिल का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपके पास स्पष्ट रूप से दिखाए। चलिए आपको क्या करना है, इस नंबर पर आपको नोट कर लेना, इस नंबर पर अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर व्हाट्सअप करेंगे। जैसे ही व्हाट्सअप करेंगे में आपको कितना समय लगेंगे, 2 मिनट 1 मिनट का कम समय लगेंगे, तो यहाँ पर आपको इस नंबर पर आपको क्या करना है, नोट कर लेना, इसी नंबर से आपके पास पीडीएफ जाएंगे तो 1 मिनट से कम समय लगेंगे। तो आपको इस नंबर पर आपको नोट कर आप हमें क्या करें, व्हाट्सअप पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है, ये आपका 7 हुआ, 7 है आपका, फिर आपका 3906006333 आपको यहाँ पर इस नंबर पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है। चलिए इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है, आपके पास पीडीएफ चला जाएगा। चलिए आप क्लियर समझ चुके हैं, आपको प्रयास पीडीएफ जाएंगे आपको इसी नंबर से, और उसके बाद आप क्लियर देख पाए, या पूरे मैथ का मैंने आपका सॉल्यूशन था, आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी का उत्तर आपको इसी प्रकार से मिल जाएंगे। तो अभी के इस पूरे वीडियो में जो भी आपका मैथ का जो पेपर होने जा रहा है, तो मैथ का पूरे प्रश्न का मैंने सॉल्यूशन करा दिया। आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद आपको क्या कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देना है, ताकि आपके पास सबसे पहले इसका पीडीएफ चले जाएंगे। आप देखें कि बेहद आसान है इसका पीडीएफ डाउनलोड करना। इसी प्रकार आपका क्लास 10th में जाएंगे तो क्लास 10th में आपका इसी मंथ के बाद अप्रैल महीना में आपका एग्जाम होने जा रहा है, वो आपका मंथली एग्जाम रहेंगे, उसमें भी सबसे पहले पेपर लेने के लिए चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।